और बम्बई वो जब आते थे तो मतलब उनका 90% टाइम मेरे ही साथ गुजरता था। तो बहुत कमाल के आदमी थे, मुझसे तो बहुत मोहब्बत से मिलते थे वो। और जावेद तो कहते ही नहीं थे, मुझे जादू ही कहते थे। वो जब नसर लिखते थे तब आदमी का पसीना छूट जाए, पढ़े जिस तरह की नसर वो लिख सकते, मगर शायरी वो उनकी चॉइस थी, सहले मुमतना उनकी मजबूरी नहीं थी। उनका हासिल है ये जहाँ ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। क्या क्या है, क्या बात है। अरे बहुत कमाल के शायर थे। अल्टीमेटली आपकी शायरी जो है वो व्हाट्सएप पे नहीं जिंदा रहेगी, वो जिंदा तो कागज़ पे ही रहेगी। तो कागज़ पे जॉन एलिया रहेंगे। जॉन एलिया एक बहुत अच्छे शायर थे, इसमें कोई शक नहीं। जाने क्या वाकया हुआ क्यों लोग, जाने क्या वाकया हुआ क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बसूर नजर आती। कि जिंदगी जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत। हमारे यहाँ एक शायर हैं, इन दिनों वो सोशल मीडिया पे भी बहुत मकबूल हैं, जॉन एलिया। जॉन एलिया से मेरे पर्सनल बहुत गहरे इसलिए गुफ्तगू करना है। और उनकी जो किताबें हैं उनकी हर किताब दस्तखत के साथ मेरे पास है। और बम्बई वो जब आते थे तो मतलब उनका 90% टाइम मेरे ही साथ गुजरता था। क्या बात। हाँ तो जॉन भाई से तो बहुत गहरा हमारा रिश्ता। अच्छा, आपकी हमने मैंने सोशल मीडिया पर ढूंढा लेकिन गुफ्तगू नहीं मिली आपकी, कि वो कैसे उनकी शायरी का क्या अंसर है जो आप समझते हैं कि वो अहम है, उस पर नोटिस होना चाहिए। देखिए, सहले मुमतना लिखना और इतना बासर कि कहीं फ्लैट नहीं होता था उनका। तो सहले मुमतना बहुत इम्कान होता था कि नसर जैसा लगने लगे, मगर उसके अंदर पूरे वक्त एक स्पार्क रहे शायरी का, बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने जो लिखा है उनसे ज़्यादा उर्दू तो कम लोग जानते होंगे। वो जब नसर लिखते थे तब आदमी के पसीने छूट जाए, पढ़े जिस तरह की नसर वो लिख सकते, मगर शायरी वो उनकी चॉइस थी, सहले मुमतना उनकी मजबूरी नहीं थी। और क्या उन्होंने लिखा है, क्या बारीक नफ्सियाती नुक्ते उसमें हैं, कि क्या ऑब्जर्वेशन है इस शख्स का। शायरी में फलसफे का इस्तेमाल, और वो इस अंदाज से कि वो लगे भी नहीं कि मैं फलसफे पे गुफ्तगू कर। नहीं, वो बेसाख्तगी उसकी कदर है कि वो आपको लगता ही नहीं कि कोई पुलपिट पे बैठ के बात कर रहा आदमी, वो तो ऐसा लगता है कि बेतकल्लुफ दोस्त है आपका, कह दिए उसने एक बार वो। और वो एक गज़ल दो गज़ल मुस्तकिल ये रंग जो है चोखा ही रहे, बहुत मुश्किल बात। आपका हिंदुस्तान में उनके साथ आए बहुत। और जब मैं वहाँ कराची भी गया था तब भी उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। बाहर भी कई बार ऐसा हुआ मुल्कों में कि वो भी थे मैं भी था। तो बहुत कमाल के आदमी थे, मुझसे तो बहुत मोहब्बत से मिलते थे वो। और जावेद तो कहते ही नहीं थे, मुझे जादू ही कहते थे। और उनकी सारी किताबें उनके दस्तखत के साथ मेरे पास है, ऑटोग्राफ उनकी है, बहुत कमाल की। अभी ये बेतकल्लुफ शेर है कि बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। या वो एक मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं तुम मुझको छोड़ के इस जा नहीं हैं उस। अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया आप देखिए, हैं उस पैकर सिवा भी कितने पैकर। एक हालत है कि जो उसके सिवा नहीं। अब एक हालत क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है देखिए, कितने शेर हम के रसुआ कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या ज़िंदगी अपनी क्या अबरू, मीर दिल्ली से उठे यही तो सवाल है, गए लखनऊ तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या कहने। कितने शेर हैं कि कुन का हासिल है ये जहाँ ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। क्या कहने है, क्या बात है। अरे बहुत कमाल के शायर थे, और हिंदुस्तान में तो इतने मकबूल हैं। क्यों वजह, क्या वजह ये है कि उनकी ज़बान इतनी सादा है कि आदमी को तकलीफ़ नहीं होती समझने में। उनकी ज़बान में इतनी सादगी है, और वो आदमी जो मतलब फिरोज़-उल-लुग़ात था, चलता फिरता, वो आदमी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता, तो उसकी मर्ज़ी थी। हम आम तौर से ये हमारी
कहना चाहिए हाँ वो हमारा वो होता है मजबूरी कि हमारे पास उतने अल्फाज ही नहीं है, उतनी हमें इल्म ही नहीं ज़बान का, तो हम सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ये नहीं था, he was the master of the language, मगर उन्होंने ये चूज़ किया सलेम उम्तना को अपनी इजहार ख्याल की। तो क्या कितने शेर आपको, अब आप देखिए ये शेर को आप सोचिए ऐसे निकल जाता है लतीफ़े की तरह, ये है नहीं, बहुत गहरी बात है। क्या कहा, इश्क जाविदानी है, क्या कहा, इश्क जाविदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या, वाह 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 क्या बात। ये जो फ़लसफे आते हैं, ये फ़लसफे किसी बात को छुपाने के लिए आते हैं, किसी बहाने के लिए आते हैं। ये कहने की ज़रूरत क्या है इश्क जाविदानी, मतलब अब बाहर निकलना है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। कितने उनके शेर हैं, कमाल के कमाल। अरे जावेद भाई, हम देखते हैं कि जब गुफ्तगू होती है जॉनेलिया पर जी, तो उमन उनके जो शख्सियत है उस पर गुफ्तगू होने लग जाती है कि वो कैसे शराब ऐसे पीते थे और गैर जिम्मेदार ऐसे थे और वहाँ गिर गए और वहाँ उन्होंने शेर नहीं पढ़ पाए। ये सब ये थोड़ी रहना है। मुझे यकीन है कि गालिब के पड़ोस में जो साहब रहते होंगे वो गालिब से ज़्यादा शरीफ आदमी होंगे, तो मैं क्या करूँ उनका, है उनका नाम तक मुझे नहीं मालूम। वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे जिया कैसे नहीं जिया, ये आप अगर आपको शौक है तफसील मालूम करने का कर लीजिए, लेकिन हम उसको जानते हैं जिसने गज़लें लिखी। वो गज़ल हमारे लिए जॉनेलिया है और वो गज़ल ही हमारे लिए गालिब है और वो गज़ल ही हमारे लिए मीर है। मीर पर्सनली कंजूस थे कि फयाज थे हमें नहीं मालूम, हमें मालूम हो के होगा क्या, उनकी शायरी तो उतनी अच्छी रहेगी। तो ये हम लोग कभी कभी फजूलियात में पड़ जाते हैं। अरे भाई डॉन ब्रैडमैन ने 99.9 उसका एवरेज था, अब ये गए मगर साहब वो जो है वो पड़ोसी से बड़ी बदतमीज़ी करते करते होंगे, मुझे तो 99.9 एवरेज देख रहा हूँ ना, मैं उन्हें क्रिकेटर देख रहा हूँ, मैं उन्हें वो खुद कहाँ रहते थे क्या करते थे मुझे क्या लेना देना है, मुझे याद भी नहीं रहना। वो कौन सा शायर किस तरह का आदमी था कहाँ हमें मालूम है, और उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, अहमियत ये कि इसने लिखा क्या है। अच्छा एक उनसर हाँ। ये भी नहीं देखते आपके बहुत अरसे के बाद जो नौजवान है उन्होंने एक शायर जिस तरह सोचा हुआ था वैसा शायर देखा भी, तो ये एक प्लस पॉइंट भी हो गया या ये इजाफी है। इजाफी है, ये वाकई इजाफी है, इसलिए है कि ये उस तरह के बेखबर आदमी से आप लुत्फंदोज़ तो हो सकते हैं या थोड़े से मुतासर भी हो सकते हैं, मगर इतनी जुरत नहीं कर सकते कि उतनी लापरवाह भी हो जाए, वो नहीं होगा। वो चूँकि आम रविश से हट के इंसान था तो आप ज़रा उसे अम्यूज़ होके देखते हैं, वाह भाई खूबी आदमी था कमाल था। लेकिन ये कि अल्टीमेटली आपकी शायरी जो है वो व्हाट्सएप पे नहीं ज़िंदा रहेगी, वो ज़िंदा तो कागज़ पे ही रहेगी। तो कागज़ पे जॉनेलिया रहेंगे, जॉनेलिया एक बहुत अच्छे शायर थे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा वो कमाल अमरूवी की फिल्म के लिए भी तो लिख रहे थे वो, फिर वो मुझे नहीं मालूम उसका इल्म नहीं, कब लिख रहे थे कौन सी फिल्म, कोई गालिबन एक फिल्म थी जिसके लिए उस गाने लिखना थे, लेकिन फिर वो फिल्म फिर उस फिल्म के गाने खुद कमाल अमरोही ने ही लिखे थे। नहीं कमाल अमरोही ने तो खैर नहीं लिखे थे, उनकी आखिरी फिल्म रज़िया सुल्तान थी गालबन, तो रज़िया सुल्तान में तो मेरे फादर के कुछ गाने थे, कुछ कैफ़ी साहब के गाने थे और शायद एक आध किसी और का भी होगा। ये है दिले नादा है दिले नादा जो मशहूर तरीन गाना है उसका, वो मेरे फादर का लिखा हुआ, उसमें कमाल अमरोही। एक पिक्चर थी शंकर हुसैन, उसमें कुछ गाने थे जिन पर कमाल अमरोही का नाम था, बस इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है। जाने क्या वाकया हुआ क्यों लोग, जाने क्या वाकया हुआ क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बसूर नजर आती। कि जिंदगी जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में।